एग्जैक्टली हम कहाँ जा रहे हैं भैया, बताओ कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अभी सूर्यनगर। सूर्यनगर में क्या करने? सूर्यनगर में हम खाएंगे बेमड़ी पूड़ी। बेमड़ी पूड़ी, ओके। सुबह नाश्ता करेंगे अपना यहाँ से, ओके, फिर चलेंगे तुम्हारे बताए हुए डेस्टिनेशन। ओके, तो किस ठंड कैसी हो रही है? ठंड बहुत ज्यादा है, फॉग प्लस स्मॉग है थोड़ा थोड़ा, लेकिन विजिबिलिटी है। विजिबिलिटी है, मतलब ड्राइविंग में कोई इशू नहीं है। चलो कोई नहीं, फिर मिलते हैं उस स्पॉट पे जहाँ पे करंटली हम जा रहे हैं। सो अभी हम पहुँच चुके हैं कहाँ पे भैया? सूर्यनगर में है श्री दिगंबर जैन भवन, ओके, और उसके बगल में है श्री राम मंदिर। श्री राम मंदिर, जय श्री राम। कहाँ? जय श्री राम। एक अयोध्या में मंदिर बनना है, यहाँ सूर्यनगर में बना हुआ है। अच्छा, श्री राम मंदिर, ये रहा श्री राम मंदिर। और इस श्री राम मंदिर के बगल में है जहाँ हमें आज ब्रेकफास्ट करना है। यू नो, ये रही वो शॉप। ये रही शॉप, बहुत फेमस शॉप है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। हम भी तो दूर से आए हैं, 6 किलोमीटर दूर से। हमें सूर्यनगर राम मंदिर के बगल में, और ये है बेमड़ी पूरी, बहुत फेमस है। और देख रहे हो साइज भी बहुत, मुझे बहुत यमी लग रहा है। सो लेट्स हैव अ पूरी। खा के बताओ आप कैसे हैं, खा के बताओ। तो मैं इसको पहले टेस्ट करूंगा। अमित भैया आप भी खाओ। हाउ इट इज? टू यमी। यमी, आप बताओ। मतलब अगर आपको सुबह का नाश्ता करना है और बेमड़ी पूरी से अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल, और यहाँ के खाओ, मज़ा आ जाएगा आपको। मज़ा आ जाएगा। चलो फिर टेस्ट करते हैं कैसे है। अब इमरती और कचौड़ी खाने के बाद हम जा रहे हैं हुमायूं टॉम। कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं हुमायूं टॉम। हुमायूं टॉम तो बहुत ज़्यादा भर गया है। कैसा लगा आपको ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट मैं तो देखो अक्सर आता हूँ, मुझे तो बहुत पसंद आया, क्योंकि मेरे तो ये फेवरेट डेस्टिनेशन है सुबह नाश्ता करने के लिए। आई होप आप लोगों को भी पसंद आया हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा था। कितने चाव से लोग खाते हैं आप पीछे देख सकते हो। ये देख सकते हो आप, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे और बहुत अच्छे बनाते हैं। सूर्यनगर में पड़ता है, गाजियाबाद सूर्यनगर। सर्विस बहुत अच्छी है इनकी सर, प्यार से खिलाएंगे और अच्छी, मतलब बहुत अच्छी। तो फिर चले फिर हुमायूं टॉम। हुमायूं टॉम चलो फिर। NS 24 पर है, नेशनल हाईवे 24, जो हमें गाजीपुर से हमने लिया है, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है गाजीपुर पर। देयर ऑन स्ट्राइक, धरने में बैठे हुए हैं। तो हमने गाजीपुर से लिया है ये हाईवे, और हमें ये सराय कारे खां तक छोड़ेगा, देन आगे हमें हुमायूं चलेगा। NS 24 लेना होगा। आपको क्या पता है हुमायूं टॉम के बारे में? ऑनेस्टली बोलूं, आई डोंट नो। ये जरा बताएं कि अकबर का बेटा हूं मैं। अकबर का बेटा नहीं, सॉरी, फादर, सॉरी, अकबर बेटा था मैं। सो आई एम नॉट गुड इन हिस्ट्री ना। 17th सेंचुरी में बनाया गया था हुमायूं टॉम। अकबर की जो मदर थी हमीदा बानू बेगम, उन्होंने बनवाया था विद द मेमोरी ऑफ शाहजानी हुमायूं। हुमायूं कौन थे? अकबर के फादर थे, जिनका जो मतलब जो एम्परर थे जब वो मुगल एम्पायर के 16th सेंचुरी के आसपास, उनका जो लास्ट जो कार्यकाल था वो 1555 में एंड हो गया था, जब उनकी मृत्यु हुई थी कैसे, लाइब्रेरी के स्टेयर्स से गिर के। तो उनकी मेमोरी में उनकी जो सबसे बड़ी रानी थी
जो कि हरम की मतलब जो मेन रानी कही जा सकती है, हमीदा बानो बेगम थी, उन्होंने ये 16th सेंचुरी में ही बनवाया था जब अकबर का शासनकाल था। इसे बनने में लगभग 9 साल लगे थे और आज ये दिल्ली की बहुत ही अच्छी टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे बहुत लोग जाते हैं। इवन बाहर से जो फॉरेनर से टूरिस्ट आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेफर करते हैं यहाँ पे जाना। और यहाँ पे फोटोग्राफ, अगर फोटोग्राफी के लिए आप आ रहे हो तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको शूटिंग लोकेशन मिल जाती है, प्लस यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स भी आती हैं। तो आज हम यही जा रहे हैं और एक्सप्लोर करेंगे और भी चीज़ें देखेंगे और कुछ हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे यहाँ की। तो फटाफट से पहुँचते हैं एंड देखते हैं कैसे हो। एक्साइटेड हो आप? I'm very excited और हमारे साथ में हमारे फ्रेंड भी हैं, let introduce अमित जी। अमित जी से hello, hello, hi, say hi to my vlog, so hi to देखियो वीडियो। ठीक है ठीक है, so मिलते हैं डेस्टिनेशन पे। तो मिलते हैं डेस्टिनेशन पे, ठीक है। तो करंटली हम पहुंच चुके हैं, कहाँ पहुंच चुके हैं? हुमायूं टॉम पहुंच चुके हैं, यहाँ से नहीं दिख रहा, अभी जाएंगे। ये पार्किंग में है। कहाँ पहुंचे भैया? स्कैनिंग में क्या 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 प्रोसेस रहा था? ऐसा प्रोसेस है कि आपको ऑनलाइन यहाँ पर स्कैन करना है, अपनी डिटेल्स डालनी है, आईडी डिटेल डालनी है, 35 रुपए का चार्ज है, कैशलेस, और आपको सीधे एंट्री मिलेगी। पीछे हम एंट्री करके आ चुके हैं और आपको जब भी ये करना है पे तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, बिकॉज जाते वक्त वो आपको चेक करेंगे। हाँ, एग्जिट के लिए आपको उसे चाहिए पड़ेगा, स्कैन दोबारा से होगा। तो आ गए हैं मंदिर, अब चलते हैं अंदर, देखते हैं साइट सीन्स एंड इसके बाद एक्सप्लोर करते हैं हुमायूं टॉम को। सो राइट नाउ वी आर इन द कैंपस ऑफ हुमायूं टॉम। सो स्कैनिंग करके हम अंदर आ चुके हैं। स्कैनिंग में क्या 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 प्रोसेस रहा था? ऐसा प्रोसेस है कि आपको ऑनलाइन यहाँ पर स्कैन करना है, अपनी डिटेल्स डालनी है, आईडी डिटेल डालनी है, 35 रुपए का चार्ज है, कैशलेस, और आपको सीधे एंट्री मिलेगी। पीछे हम एंट्री करके आ चुके हैं और आपको जब भी ये करना है पे तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, बिकॉज जाते वक्त वो आपको चेक करेंगे। हाँ, एग्जिट के लिए आपको उसे चाहिए पड़ेगा, स्कैन दोबारा से होगा। तो आ गए हैं मंदिर, अब चलते हैं अंदर, देखते हैं साइट सीन्स एंड इसके बाद एक्सप्लोर करते हैं हुमायूं टॉम को। जब भी जो किंग हुआ करते थे, क्वीन होती थी, वह आती थे तो यहाँ से जो उनके सेवक होते थे वो फूल की वर्षा करते थे, सब फूलों की वर्षा होती, फूलों की वर्षा होती थी। और इसके बाद यहाँ फिर कैंपस के अंदर हम एंट्रेंस करते थे। अब ये जो हुमायूं टॉम का एरिया ताजमहल के कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है, इसमें चार बाग वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें चारों बागों में आपका वाटर फ्लो रहता है और वो चारों बाग आके यहाँ पे इस सेंट्रल पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे पहले के टाइम पे फवारे भी हुआ करते थे और यहाँ पे हमेशा पानी रहा करता था और जितने भी यहाँ बाग थे पूरे हरे भरे थे, अभी भी हरे भरे हैं और अभी भी यहाँ पानी आता है। और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम जन्नत कॉन्सेप्ट, जन्नत जो कि कुरान में भी लिखी गई है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट ताजमहल पे भी है। चारों बाग अभी यहाँ भी आपका पानी का सिस्टम है, ऐसा ही सेम चारों बाग, एक इस साइड, एक इस साइड, एक यहाँ, एक पीछे। हम हैं हुमायूं टॉम। हुमायूं टॉम एक बहुत ही ऐतिहासिक इमारत है। इमारत मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जब इसकी सुंदरता को देखते हैं तो शायद आपको ध्यान आता है कि इसी फॉर्मेट में, कुछ इसी अंदाज में प्यार की निशानी, जिसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं, वो बना हुआ है। कुछ वही फॉर्मेट है, कुछ वही स्ट्रक्चर है जो बना हुआ है। आप देख रहे हैं इसमें लाल पत्थर लगा हुआ है। ये जो लाल पत्थर है वो ईरान से उस टाइम पे इंपोर्ट हुआ था। 11 करोड़ की लागत के साथ 9 साल इन्वेस्ट हुए हैं इसको बनाने में। अगर मैं बात करूँ इसके फॉर्मेशन की तो ये भी चार बाग के कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है।
कुरान में ऐसा माना जाता है कि जो जन्नत है वहाँ पर चार बाग हैं और वहाँ पर ही कुछ इस तरह की फॉर्मेशन को वो मानते हैं। तो जन्नत में जाए जिसके याद में बना है, कुछ उस याद में ये हुमायूं टॉम भी बना है। आप देख पाओगे कि एक जो साइड है वो एक बाग है, दो बाग, तीन और चार बाग हैं। चारों बाग कुछ इस तरह से कनेक्टेड हैं कि चारों बागों में हमेशा पानी रहता है। पहले उस टाइम पे सिंचाई की व्यवस्था के लिए ड्रॉप इरिगेशन, इरिगेशन सिस्टम नहीं हुआ करते थे, लेकिन स्टिल दे आर वेरी कीन कि वो किस तरह इरिगेशन करेंगे, किस तरह पानी को पहुंचाएंगे, और हमेशा ये पार्क हमेशा आपको ग्रीन नज़र आएंगे। रीज़न यही है क्योंकि फॉर्मेशन भी बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है। उस टाइम के जो आर्किटेक्चर थे, आप देखोगे आज भी एक ऐतिहासिक इमारत के तौर पे आप देखोगे, हज़ारों टूरिस्ट इंडिया से बाहर से आते हैं, इसको घूमने के लिए आते हैं, एक्सप्लोर करने आते हैं, क्योंकि आप इसमें जितना घुसते हो आपको उतनी नई चीज़ें नज़र आती हैं, उतना ही बारीकी से उसके काम को आप देख पाते हो। और आपको मैं अगर इधर दिखाऊं तो ये जितनी ये बाग हैं, आओ मैं आपको दिखाता हूं, इन सब में जो ये पानी का वो है, कनेक्शन है, वो इन नालियों के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मतलब कहीं से पानी अलग से नहीं पहुंचाया जा रहा, इन नालियों के थ्रू ही सारा पानी जाता है। अभी यहाँ पर पानी नहीं है, लेकिन अगर हम उधर जाएंगे तो वहाँ हमें पानी मिलेगा। वहाँ सेंटर में फवारा भी है, चारों कनेक्टेड भी हैं, और बहुत ही ऐतिहासिक इमारत है। काफ़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है यहाँ पर, क्योंकि डेस्टिनेशन है एक अच्छे जहाँ पर शूट्स होते हैं, लोग अपने कपल शूट्स भी कराते हैं। तो अगर आप दिल्ली में हैं तो प्लीज़ आइए और देखिए कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं और अपना एक क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। अब हम हैं हुमायूं टॉम के फर्स्ट फ्लोर पे और मेरे पीछे देख सकते हैं ये हिस्टोरिकल मोनुमेंट। चढ़ा करते थे और आप देखोगे इसमें चार गुम्बद हैं और एक पीछे बड़ा गुम्बद, उसके ऊपर गोल्ड प्लेटेड है। और जिस टेक्नोलॉजी से ये बना है वो उसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग, मतलब उसमें कोई सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, इंटरलॉकिंग टेक्निक से बना है। चार गेट हैं, मेन गेट आपके पीछे आप देख सकते हैं, और ये जो बाग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि चार बाग घूम सकते हैं, मेन से ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये खुद अपने आप में एक है और एक इसके पीछे बाग है। तो चार बाग के कॉन्सेप्ट बना है, जिसको एक कुरान में मान्यता है कि जन्नत में चार बाग होते हैं, उस बेस में आपको पहले बता चुका हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है, क्राउड कितना है, मतलब ये कोविड के बाद आप, मैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ किसी ऐसे मूवमेंट पर, इतना क्राउड है और लोग आ रहे हैं एक्सप्लोर कर रहे हैं। प्लीज़ गाइस आइए और एक्सप्लोर कीजिए ऐसी डेस्टिनेशन को, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से बहुत पास है, साउथ दिल्ली का एरिया है ये हुमायूं टॉम। और ठीक है, मतलब वाइट मार्बल रेड पत्थर 11 करोड़ की जो कॉस्टिंग है जस्टिफाइड है, मतलब 9 साल में बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। और रिटर्न आप आज इतने टूरिस्ट आ रहे हैं आप देख ही सकते हो, इतना फाइन काम नहीं है जितना हम ताजमहल में देखते हैं। उनमें मेहराब बने हुए हैं, कलाकारियाँ हैं, गलतियाँ हैं, वो एक बेजोड़ नमूना है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उस फॉर्मेशन को ध्यान में रख के या उसको सेंट्रल में रख के अगर कुछ बनाया है तो ये बनाया है। और ये भी एक ऐतिहासिक इमारत में से एक है, सो आ सकते हैं आप। अब हम अंदर हैं, ग्रेवयार्ड के अंदर हैं, और अगर आप मेरे पीछे देखें तो मेरे पीछे है हुमायूं की असली कब्र, यानी ये एक डमी है, इसके नीचे असली है, ऊपर असली कब्र नहीं है, इसके नीचे है एक डमी, हमने ऊपर देख रहे हैं जो हमारी नज़र में आ रहा है, डमी है, इसके नीचे असली कब्र है। और इसके जो चारों तरफ आप देख सकते हो ये डमी रूम्स हैं, 1, 2, 3, 4, और मैं आपको एक के अंदर लेके भी चलता हूँ, आइए। ये सब पहले डमी हुआ करते थे, आप अंदर आएंगे तो अंदर भी आपको कुछ इस तरह की फॉर्मेशंस दिखेंगी। और ये सारी
इन सब का एक्सेस चारों तरफ से है। आप यहाँ पर आके देखिए, यहाँ पर भी दो कब्रें हैं, तो ये भी इसका भी एक्सेस चारों तरफ से है। और ये भी डमी है, ऊपर से नीचे कब्रें हैं और ऊपर डमी रखी गई है ये। और इनमें कलाकृतियाँ जो आप देख पा रहे हो, ऊपर भी देख पा रहे हो, आज तक उनका रंग भी नहीं उतरा, लेकिन हाँ रीकंस्ट्रक्शन इनमें थोड़ा थोड़ा ज़रूर हुआ है, क्योंकि ऐतिहासिक इमारत है तो इनको संभाल कर रखना, थोड़ा बहुत रेनोवेशन करना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लगभग 400 साल पुरानी इमारत है, तो जाहिर सी है कि वो थोड़ा बहुत रेनोवेशन मांग रही है। अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ी और क्लीनिंग की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक हिस्टोरिकल और टूरिस्ट प्लेस है और ऐसी जगह देश का एक आईना होती हैं, उनकी ऐतिहासिक इमारतें उनकी विरासतों को बताती हैं, और हमें अपनी विरासत को, अपनी ऐतिहासिक इमारतों को संभाल कर रखना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हम ऐसे किसी डेस्टिनेशन पे आते हैं तो हमें खुद भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कितनी क्लीननेस और साफ़ स्वच्छता का ध्यान रखें, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी हम अंदर आ चुके हैं और मैंने आपको अंदर की चीज़ें दिखाई हैं, उससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपको दिखाना भूल गया। आप ये देख पा रहे हो, लकड़ी है, शीशम की लकड़ी है, 400 साल पुरानी लकड़ी, आज भी उसमें कुछ डैमेज नहीं है, आज भी वैसी ही है। रीज़न बीइंग कि एक मकबरा है, कब्र है, ग्रेवयार्ड एक तरह से कह सकते हैं, तो यहाँ पर युद्ध नहीं हुए। आप कई किलों में गए होंगे तो वहाँ के दरवाजे उखड़े हैं, टूटे हुए हैं, या उनमें बहुत डैमेजेस हैं, इनमें उतने डैमेजेस नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर शांतिप्रिय वातावरण हमेशा रहा है। बड़ी बड़ी लॉक्स लगते थे, जंजीरों का इस्तेमाल होता था उसको बंद करने के लिए, तो ये एक हिस्टोरिकल चीज़ है और आज तक भी वो वैसी ही है जैसे उस टाइम पे थी। तो मैंने बताया कि इसमें चार गेट हैं, आप मैंने फ्रंट गेट दिखाया, सेकंड गेट इधर है, थर्ड गेट इधर, फोर्थ गेट इधर है, और मैं आपको कह रहा था कि ये एक ताजमहल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आया ही इसके बाद, यानी पहले ये हुमायूं टॉम बना है, फिर उसके बाद ताजमहल बना है। तो जो कमियाँ रह गई थी या जिस चीज़ को सुधारा जा सकता था और कुछ नई चीज़ें ला सकते थे, तो उसमें इंप्लीमेंट किया गया है आपके ताजमहल। तो फॉर्मेशन कुछ वही है, चीज़ें वही हैं, आप देख सकते हो मार्बल्स का, पत्थरों का बहुत फ़र्क है, इतना फाइन काम नहीं है, क्योंकि आप जब कस्टम करते हो किसी चीज़ में तो कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ ध्यान में आता है कि यार ये होना था, वो होना था, हम ये कर सकते थे, उस सारी कमियों को पूरा किया गया फिर आपके ताजमहल में। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन हम आपको मिलेंगे आगरा। हाँ, बता सकते हैं। सो दोस्तों, अब जाने का टाइम हो गया है इस व्लॉग से, और अब हम गाड़ी पार्किंग से निकाल रहे हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए, हमारे थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली वो अच्छी लगी हो, जेन्युइन है, हमारी बेस्ट ऑफ नॉलेज है, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में किसी एक नए हिस्टोरिक प्लेस पे, नई हिस्टोरिक स्टोरी के साथ, और एक्सप्लोर करेंगे नई नई डेस्टिनेशंस को। और स्टे ट्यून विद अस, बाय बाय।